साथियों आप सब लोगों का जिस तरह से कॉन्रेड रामा ने कहा इतनी गर्मी में यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि यहाँ पर बने रहिए, अपना प्रेजेंस बना के रखिए। यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर पर आज जो ये एकेडमिक काउंसिल मीटिंग बुलाई गई है, मैं अंदर गई थी अंदर का स्ट्रक्चर देखने के लिए और बहुत ही पहले की तरह अनप्रेसिडेंटेड, जिसको कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड तरीके से ये हो रहा है कि सभी स्पीकर्स के पास में माइक नहीं होगी, सभी स्पीकर्स एक लेवल पे नहीं बैठे होंगे, एक हायरार्की ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिया जा रहा है। हम लोगों की आवाज़ यहाँ से दरवाजे तक अंदर जा रही है लेकिन उसके आगे अंदर नहीं जाएगी। सबसे पहले अंदर आने वाले शख्स हैं प्रोफेसर अमिता सिंह, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि उनको स्टूडेंट्स का आक्रोश, उनको स्टूडेंट्स का गुस्सा झेलना ना पड़े। सबसे पहले अंदर आके वो अंदर जा कर के बैठ गई और हम लोग जानते हैं किस तरह से वाइस चांसलर एक लॉबी के साथ में अंदर आते हैं, एक पर्टिकुलर लॉबी है उनकी, उस लॉबी के लिए सामने कुर्सियां लगी हुई हैं जिस पर वो सब लोग बैठेंगे और बाकी सब लोग पीछे बैठेंगे। पहले हर व्यक्ति के पास माइक होती थी, आज हर व्यक्ति के पास माइक नहीं होगी। जिसको माइक मिलेगा सिर्फ वही बोल सकता है। एक ऐसा समय है जिस वक्त सभी लोग अपना डिसर्टेशन लिख रहे हैं, कुछ लोग घर जा चुके हैं, कुछ लोग नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोगों का एंट्रेंस खत्म हो गया है। टीचर्स यहाँ पर ज़्यादातर टीचर्स जो है वो नहीं है। और एक ऐसा समय जिस वक्त सभी जो टीचर्स हैं जिन्होंने पिछली बार एक डेमोक्रेटिक तरीके से HLEC पर अपना कंसर्न जाहिर किया था, उन सब टीचर्स के खिलाफ एक सेंसर करने की जो साजिश है वो की जा रही है। प्रेस रिलीज आता है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो कहता है कि पिछली बार टीचर्स ने बड़ा इनडिसिप्लिन किया। ये इनडिसिप्लिन क्या चीज़ है, इस इनडिसिप्लिन को ज़रा जानिए। ये इनडिसिप्लिन वही इनडिसिप्लिन है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 10 छात्रों को बोला गया कि तुम अनुशासनहीनता कर रहे हो। ये अनुशासनहीनता कैसे कर रहे थे वो लोग 24/7 लाइब्रेरी के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। उनको रस्टिकेट कर दिया जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है। हम लोग अपनी पूरी सॉलिडारिटी, पूरा सपोर्ट यहाँ से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लड़ रहे छात्रों के आंदोलन की तरफ हम लोग कन्वे करना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं कि अनुशासनहीनता जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं वही अनुशासनहीनता है जिसको ये कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते जब वो राइट विंग की तरफ से होता है। राइट विंग के लोग जाकर के टीचर्स क्वार्टर के नीचे गाली गलौज करते हैं, बहुत हंगामा खड़ा करते हैं, उसको ये लोग कभी भी इनडिसिप्लिन नहीं कहते। एक लड़का है माही मांडवी का, वो जाता है, आप सब लोग उसका नाम जानते हैं, वो जाता है और माही मांडवी में पोस्टर फाड़ता है। किस चीज के? रमजान कमेटी के पोस्टर फाड़ता है। ये कोई इनडिसिप्लिन नहीं। ये लोग रैली रोके, ये लोग बस रोके, ये लोग सड़क पे लेट जाए, ये लोग दंगा करवाए, ये लोग मारपीट करवाए, वो अनुशासनहीनता नहीं है। लेकिन अगर टीचर्स डेमोक्रेटिकली अपना पक्ष रखते हैं, ये कहते हैं एक साथ यूनानिमसली कहते हैं कि हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी इज अ फार्स, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी हैज टू बी स्क्रैप्ड, उसको ये कहते हैं इनडिसिप्लिन। आज साथियों हमारे सामने यही बड़ा चैलेंज है कि OBC रिजर्वेशन को किस तरह से स्कटल होने से बचाया जाए। अगर संक्षेप में इस बात को फिर से एक बार समअप किया जाए तो क्या हुआ, 2008 से 2011 तक यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई चलती है जिसमें ये एस्टैब्लिश किया जाता है कि कट ऑफ में रिलैक्सेशन OBC कैंडिडेट्स को मिलेगा। उसके बाद एक वर्डिक्ट आता है 19 जनवरी 2016 को जिसमें कहा जाता है कि एलिजिबिलिटी में भी OBC कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिलेगा। अब ये दोनों बातें आपस में कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, ये या तो वाइस चांसलर साहब समझ सकते हैं या तो हनुमान शर्मा जी समझ सकते हैं, हमारे समझ से बाहर, हमको ये समझ में नहीं आता और हम इंश्योर करेंगे कि बाकी सब लोगों को भी इस समझदारी पे हम लोग खड़ा करें। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्योंकि अब एलिजिबिलिटी में रिलैक्सेशन मिल गया है तो अब हम कट ऑफ पे नहीं देंगे। आपसे पूछना चाहते हैं हनुमान शर्मा जी, जुच्ची जी, क्या आप लोगों को अपने घर से निकालने के लिए कोई सामान बोल रहा है क्या कि हम लोग देंगे या नहीं देंगे? दिस इज नॉट योर प्रेरोगेटिव। OBC रिलैक्सेशन मस्ट बी गिवन नॉट ओनली एट टू लेवल्स बट एट ऑल लेवल्स। मैं ये टू लेवल्स और ऑल लेवल्स के बीच में इसलिए डिफ्रेंसिएशन बना रही हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं MA BA के लेवल पे सिर्फ 2 लेवल का एलिमिनेशन होता है, एक एलिजिबिलिटी पे, एक कट ऑफ पे, लेकिन MPhil के लेवल पर एक और एलिमिनेशन होता है। वो होता है कि वाइवा के लिए किसको बुलाया जाएगा, वाइवा के लिए किसको कॉल किया जाएगा। पहले की एडमिशन पॉलिसी में ये साफ साफ डिस्टिंक्शन था कि जनरल के लिए 35%, OBC के लिए 31%, SC ST और फिजिकली चैलेंज्ड के लिए अलग क्राइटेरियन 25% के करीब। और इस बार क्या किया जा रहा है,
थैंक्स टू हनुमान शर्मा, थैंक्स टू भूपिंदर जुच्ची, क्या किया जा रहा है कि जनरल और ओबीसी को एक साथ में क्लब कर दिया गया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये टोटली अनसाइंटिफिक, टोटली इलीगल, टोटली अनफाउंडेड ये शगुफा आपके दिमाग में आया कहाँ से? आपने कब तय कर लिया कि जनरल और ओबीसी को एक ही पार पर ट्रेवल करना, ट्रीट करना है? कब आपको इस देश में लगा कि जनरल और ओबीसी के बीच में जो इनइक्वालिटी है, जो ये है, जो डिस्पैरिटी है, वो खत्म हो गई है? आपने कैसे अपने आप से तय कर लिया, आपने कैसे अपने आप से तय कर लिया कि डिप्रिवेशन पॉइंट्स को 5 नहीं बल्कि 4 और 2 घटा के क्वार्टाइल की लड़कियों के लिए 4 और नॉन क्वार्टाइल के लिए 2 देना पड़ेगा? ये कौन सी स्टडी पर बेस्ड है? ये एकदम बेसलेस चीज़ें हैं जिनको किया जा रहा है। हम लोगों को इंश्योर करना है कि हर लेवल पर ओबीसी रिलैक्सेशन, चाहे वो 3 लेवल हो चाहे 2 लेवल हो, और डिप्रिवेशन पॉइंट्स को अगर ज़रूरत पड़े तो उसका कैप बढ़ाया जाए, लेकिन कम किसी के लिए भी ना हो, क्योंकि ये इस कैंपस के इंक्लूसिव कैरेक्टर के लिए डेट्रीमेंटल होगा। कई सारी डिमांड्स कॉमरेड रामा ने रखी हैं, और भी कई सारी डिमांड्स हैं जिसके लिए हम लोग पूरा अपील सर्कुलेट करेंगे, और हम लोग हर चीज़ पर चाहेंगे कि वाइस चांसलर अपना कॉन्क्रीट बात बोले, अपना कॉन्क्रीट डिसीजन बोले। इसके अलावा हमारे कुछ साथी हैं जिनका एज अ स्पेशल केस, उनका जो केस है उसको रेज किया जाएगा, जिसमें ये एक पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो आप लोग जानते हैं, एक खास सेंटर है SIS में, जिसमें जाति के आधार पे, बाकी बेसिस पे कभी फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के खिलाफ इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने बार बार देखी है। हम लोगों ने देखा है कि एक स्टूडेंट को PhD तक पहुंचाया जाता है, उसके बाद उनसे कहा जाता है कि तुम्हारा तो MPhil ही क्वालिफाई नहीं है, तो आपने पहले क्यों नहीं रोका? इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम लोग इस इशू को रेज करेंगे और प्रशासन से एक जवाब मांगेंगे इस चीज़ पर। बहुत सारे इशूज़ हैं, मैं सभी इशूज़ पर अभी विस्तार से बोलने का, क्योंकि समय नहीं बचा है, अंदर जाना है हम लोगों को। मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर ये OBC रिजर्वेशन के अंदर जो एनोमलीज हैं उसको सही नहीं किया गया, उसको करेक्ट नहीं किया गया, तो इस बार केस JNU प्रशासन के ऊपर नहीं, पर्सनली हनुमान शर्मा के ऊपर किया जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किया जाएगा। वो जो लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड गाते रहते हैं, उस लॉ ऑफ द लैंड को वायलेट करने के लिए उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। JNU प्रशासन के नहीं, ऊपर उनके ऊपर करेंगे, तब जाके अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे फिक्स होगी। हम सभी साथियों का, आप सभी साथियों से हमारा यही अपील है कि यहाँ पर बने रहिए, नारे लगाते रहिए और हमारे आंदोलन को मजबूत कीजिए। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।